Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं पैल वर्ल्ड. तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जा रहे हैं पैल वर्ल्ड की इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में एक ऐसे एरिया को एक्सप्लोर करने जहाँ पे एक बहुत बड़ा जाइंट ट्री है. भाई तुम लोग इस ट्री का साइज ना गेस भी नहीं कर सकते कि कितना ज्यादा बड़ा है. भाई इस गेम में ना बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन है और ये ट्री उन माउंटेन से भी बहुत ज्यादा बड़ा है. मतलब यार अगर तुम कहीं पर भी खड़े हो जाओगे ना तुम्हें ट्री जरूर दिखेगा. तो मैं तो काफी टाइम से पैल वर्ल्ड खेल रहा हूँ और हमेशा मेरा मन होता था कि मैं वहां जाके देखूं कि आखिर इस ट्री पे है क्या. क्या वहां पर कोई बहुत खतरनाक पोकेमोन है या कोई बहुत ज्यादा डेंजरस बॉस पोकेमोन है. मतलब मुझे पता करना है भाई आखिर वहां पर है क्या. तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से चलते हैं उस ट्री वाली जगह पर, खुद ही चल के पता कर लेते क्या बना रखे इन लोगों ने वहां. ऑल राइट गाइस, तो अभी फिलहाल रात हो रही है और मैं हूँ अपने दूसरे बेस पे, क्योंकि यहाँ से ये जो ट्री है ना बहुत ही शानदार दिखता है. मतलब तुम सामने खुद देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा ट्री है और पता नहीं उस पे इतना ज्यादा क्या ग्लो हो रहा है ऊपर. क्या ठीक है, रात के टाइम पे तो मैं वहां जाने नहीं वाला हूँ, पहले अपने नए वाले बेस पे चल के सोते हैं, कल जब सुबह हो जाएगी तब हम लोग वहां पे चलेंगे. डन. तो मैं अपने मस्त नए वाले बेस पर आ चुका हूँ. मेरे सारे के सारे पोकेमोन बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं तो भी सब रेस्ट कर रहे हैं. ये देखो भाई कोई ना कोई आराम से. भाई ये तो कितना ज्यादा बड़ा है भाई, ये बेड पे ढंग से फिट भी नहीं आ रहा. ठीक है सोने देते हैं इन लोग को भी चैन से और हम लोग भी जल्दी से चल के सोते हैं क्योंकि कल सुबह हम लोग को कुछ बढ़िया एरिया एक्सप्लोर करने निकलना है. ओके गाइस गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है. देखो जाना बहुत ज्यादा दूर है तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अपने साथ अपना फ्लाइंग पोकेमोन ले चलूं. तो अपने पास है नाइट विंग, बट यार दिक्कत पता है क्या, नाइट विंग ना फाइटिंग में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. तो बाय चांस उस ट्री वाली जगह पर कुछ खतरनाक पोकेमोन हुए जो कि हमें मारने कूटने लग जाए तो भाई नाइट विंग बहुत ज्यादा नुकसान दे देगा क्योंकि इसके अंदर दम नहीं है लड़ाई करने का. बट देखा जाएगा, अभी के लिए मैं नाइट विंग ले रहा हूं क्योंकि भाई वो उड़ता है, मैं उसके ऊपर बैठ सकता हूं तो बहुत जल्दी पहुंचूंगा. नाइट विंग को अपने पास रख लेते हैं और नाइट विंग. चलो भाई एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं खाना वाना देख लूं. हाँ खाना खा लेते हैं भाई पहले सारे. कहीं पर भी बाहर निकलते कुछ ऐसे खा पी के निकलना चाहिए यार. आजा बेटा इधर आजा, इधर. वेरी गुड. चलो नाइट विंग के ऊपर हम लोग बैठ चुके हैं. ट्री का जो डायरेक्शन है वो सामने ही है. ये देखो सामने की तरफ हमें ट्री दिख रहा है. भाई बहुत बड़ा है, मुझे तो पता नहीं वो बहुत दूर है या बहुत पास है. देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बगल में है बट मुझे पता है वो बहुत ज्यादा दूर होगा. उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा है ना कि वो लग रहा है पास में बट वो एक्चुअल में पास में नहीं होगा. चलो भाई नाइट विंग को उड़ाकर हम लोग यहाँ से एक बढ़िया नदी पार कर लेते हैं दूसरी साइड पर. भाई इस पोकेमोन का ये फायदा है, उड़ा उड़ा के हम लोग इसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं. गाइस मैं नाइट विंग के थ्रू ट्रैवल करके काफी कम टाइम में बहुत ज्यादा आगे आ चुका हूँ. थोड़ा टोर्नेडो बूस्ट भी मार देते हैं, थोड़ा सा आगे चले जाएंगे. ये बात वैसे सही बताऊं तो यार मुझे ना कोई एक दूसरा बढ़िया फ्लाइंग पोकेमोन ढूंढना होगा यार. ये नाइट विंग इतना ज्यादा बढ़िया नहीं है. आप लोगों ने मुझे बताया था कि जो गेल क्लाव करके होता है वो बहुत बढ़िया होता है, उसके ऊपर हम लोग ऐसे लटक के जा सकते हैं. खैर ठीक है उसको भी देखेंगे बाद में, फिलहाल अभी नाइट विंग अपने पास है तो इसके थ्रू ही चलते हैं यार. एक तो भाई मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार ये ट्री है कितना दूर. वहां से देखने में कितना ज्यादा पास लग रहा था बट अभी तुम खुद देख लो हम लोग इतना ज्यादा आगे आ चुके हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसका डिस्टेंस उतना ही दूर है. चलो ठीक है यहाँ से अपने नाइट विंग को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि अभी ये बहुत बुरी तरह नीचे जाने वाला है यार. इसमें बहुत कम स्टैमिना है, जितना तो उड़ता नहीं है उससे ज्यादा ही नीचे आके रेस्ट लेता है. ओके गाइस मुझे ना यहाँ पर कोई तो एक लार्ज पोकेमोन एग दिखा. भाई ये लार्ज नहीं ह्यूज ड्रैगन एग है भाई. ये इस टाइप के एग बहुत ही रेयरली मिलते हैं, मतलब इसमें कोई खतरनाक मॉन्स्टर ही निकलेगा. अगर हम लोग बेस की तरफ वापस जाएंगे ना तो मैं इसको यूज करूंगा बाद में. फिलहाल अभी भाई इसको रेस्ट देते हैं थोड़ा. ले भाई यहाँ बैठ जा. गाइस मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा मैं पैदल ही वॉक कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हाइट्स है. अगर मैं अपने कम स्टैमिना वाले नाइट विंग को उड़ाता रह जाऊंगा ना तो वो मेरे को कल के दिन पहुंचाएगा. तो बेटर ये है कि खुद ही चलकर आ जाओ. और वेट मुझे यहाँ पर एक और एग मिला, ये भी ह्यूज है क्या? ये लार्ज है, ये थोड़ा सा छोटा है उससे. ह्यूज तो भाई बहुत ही बड़ा हो जाता है भाई. बाकी गाइस आप लोग खुद देख सकते हो अभी हम लोग ट्री के बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं यार. मुझे ट्री सामने की तरफ में नजर आ रहा है और यहाँ पर तो एक दूसरा ही एरिया आ चुका है. दूसरा एरिया मतलब कुछ दूसरे टाइप के खतरनाक पोकेमोन. तो अभी क्या करूं मैं, पानी में जंप मार दूं क्या सीधा? ओए एक मिनट रुक जाओ, अपने पास पैराशूट है बट पैराशूट के थ्रू मैं ज्यादा आगे तो नहीं जा पाऊंगा. ओए नहीं मर जाएगा, मैं खाई में गिर के मर गया यार. मेरा पैराशूट का वो खत्म हो गया था, मेरा स्टैमिना खत्म हो गया तो पैराशूट छूट गया. भाई पता नहीं हम लोग कितनी दूर जाके मरे हैं बट ठीक है, उसके नियर बाय पहले टेलीपोर्ट होते जल्दी से, ज्यादा दूर नहीं होंगे शायद हम. ओके तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट है ये वाला. चलो भाई लास्ट टाइम जहाँ पर हम लोग मरे थे उस जगह के काफी ज्यादा पास पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा बहुत और आगे जाना है. यहाँ पे कुछ ट्रेजर वगैरह ये लोग ये भी साथ साथ खोलते चलते हैं. भाई चीजें मिल जाती है बढ़िया बढ़िया. मुझे बहुत सारा हैंड गन का एमो, काफी सारे वेपन के एमो मिल चुके हैं बट अपने पास वेपन नहीं है तो हमें जल्दी से कोई वेपन बनाना चाहिए यार. चलो
चलो तो मुझे अपना सारा सामान मिल गया, इसे उठा के रखते हैं और वापस से बढ़ते हैं उस ट्री की तरफ। तुम मानोगे नहीं, अपने को आधा दिन बीत चुका है बट अभी तक हम लोग उस ट्री के पास नहीं पहुंच पाए हैं। मुझे यार सही में, ओए ये क्या हो रहा है, अपने को भूख लग रही है, क्या हो रहा है ये? हमारे अपने फूड पूरा है। अच्छा ये एरिया हॉट है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मुझे अपना ये बॉडी पे कवर उतार देना चाहिए क्या यार? रुक जाओ, ये एरिया बहुत ज्यादा हॉट है, उल्टा कवर से ठीक था। अरे मैं करूँ क्या अपने, ओए ये क्या है सामने? गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी इस जगह के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए क्या? मतलब तुम लोग खुद स्क्रीन के ना बॉर्डर्स पे देख सकते हो, इधर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मुझे इधर कोई ऐसा सूट पहनकर आना चाहिए जिसमें मुझे थोड़ा ठंडा फील हो। अरे कहाँ अटैक कर दिया मैंने, बाकी ठीक है हम लोग यहाँ पर उतरते हैं थोड़ा सा। मुझे सामने कोई तो अजीब सा मॉन्स्टर दिख चुका है जिसका नाम है डिग टॉयज। खे हम लोग नई जगह पर आ चुके हैं, ट्वाइलाइट ड्यून्स। क्या मुझे इसे फाइट करनी चाहिए या फिर वापस से आगे बढ़ना चाहिए उस एरिया के लिए? यार देखो इससे तो लड़ी लेना चाहिए, ठीक है। इसको मारने के लिए मैंने भेजा अपना फेल बैट, मार इसको, इसको पकड़ के लेके चलते हैं, पत्थर तोड़वाएंगे, इससे बढ़िया लग रहा है मुझे। अरे मार क्या उसको, क्या कर रहा है? रुको थोड़ा सा उसके आगे ही फेंकता हूं मैं और उसके बजा देते हैं एक तीर। वेरी गुड, अरे वाह, अरे बहुत बढ़िया। ओए अरे 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 कैसे मार रहा है, वापस आ वापस आ, तू मत जा, तू पूरा मार देगा उसे। गाइस समझ लो हमें एक नया पोकेमॉन मिल चुका है, इसको मुझे ना थोड़ा सा मारना है। मेरे पास क्रॉसबो नहीं है पर मतलब है, रुको एक बारी मेरी क्रॉसबो रखूंगा यहां पे, ये ले चलो इसे पकड़ लेते हैं। आजा बेटा, ड्रामेबाजी नहीं, सीधा अंदर चुपचाप से मुंह पे उंगली रख के। वेरी गुड वेरी गुड, अच्छे पोकेमोन ऐसे होते हैं भाई, देख रहे हो तुम, चुपचाप कैप्चर हो जाते हैं। बट यार जो भी कहो ये कुछ तो खतरनाक पोकेमोन है। नए एरिया पे जाने में ना इसलिए मजा आता है, बट यार पहाड़ में जाइए नए एरिया, मेरी बॉडी पूरी जल रही है इधर आके भाई, मुझे भाग कर यहाँ से निकलना होगा वरना मैं गर्मी की वजह से मर जाऊंगा यार। क्या मुझे पानी पे जाकर ठंडक मिलेगी या फिर ये पोकेमोन मुझे कुछ ठंडक प्रोवाइड करेगा? ये जो आप नीचे टेम्परेचर मीटर देख पा रहे हो ना यार, ये मतलब बैलेंस रहना चाहिए, अभी ये बहुत ज्यादा हॉट की तरफ है। एक तो धूप का भी टाइम हो रहा है ना, आधी गर्मी तो इसलिए हो रही है। बेटर यही है कि मैं अपने इस पोकेमोन को उतारता हूँ। इधर आ भाई, बैठा मुझे। हम लोग यहाँ से वापस थोड़ा सा दूर को चलते हैं, उधर की तरफ में ना मुझे बर्फ नजर आ रही है। की वाली साइड कुछ ज्यादा ही होट है, पूरा डेजर्ट है यार ये। भाई मैं मर जाऊंगा यार इस हिसाब से तो। बाहर बाहर चलो, बाहर चलो भाई, वेट। ओके ओके ओके, टेम्परेचर नॉर्मल हो गया भाई। उधर जाना तो एक अलग ही टास्क है, काफी हेल्थ वेल्थ कम हुई थी, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। मैं पता है अभी क्या सोच रहा हूँ, अगर मुझे आसपास वो जो टेलीपोर्ट वाला होता है ना, मैं उसका एग्जैक्ट नाम नहीं जानता, अगर मुझे वो मिल जाए तो बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। मैं एक बार वापस अपने बेस पे चले जाऊंगा और ओ वेट मुझे मिल गया, वो देखो सामने की तरफ में कुछ चमक रहा है ना, गोल्डन गोल्डन, मुझे वहीं पे जाना है, वहां पे भी कुछ तगड़े पोकेमॉन्स हो सकते हैं, ये ध्यान रखना होगा। बट अच्छी बात तो है कि भाई इधर गर्मी नहीं है, वरना तो भाई मैं उधर गर्मी की वजह से मर जाता। कोई ना कोई तो सूट या कोई बॉडी आर्मर ऐसा आता होगा जिसमें हमारी बॉडी गर्म एरिया में भी ठंडी, पूरी हालत खराब हो गई यार गर्मी लग लग के। चलो नाइस, अपने को सामने मिल चुका है भाई टेलीपोर्ट करने वाला। चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, हाँ इसे बोलते हैं फास्ट ट्रेवल। टेलीपोर्ट करने वाला क्या होता है भाई? यहाँ पे एग भी है भाई बहुत सारे, लार्ज एग है तो। भाई हम लोग ना अभी कम्प्लीटली एक डिफरेंट बायोम में आ चुके हैं, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फूल पत्ते है भाई जमीन पे, और नीचे देखो भाई एक मेमोरस्ट घूम रहा है। क्या मुझे बिना तगड़े पोकेमोन्स के इतनी ज्यादा दूर आना चाहिए था? वैसे गाइस आप लोग को पता है कि अपना एक टास्क भी था कि ओ वेट 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 वेट, नीचे कुछ तो है भाई, मुझे इससे पंगा लेना चाहिए क्या? वेट यार रुको, मुझे नीचे एक तगड़ा पोकेमोन दिखा भाई। अबे अटैक किसने करने बोला भाई? ये बहुत तगड़ा पोकेमोन है, कुछ हो भी नहीं रहा उसको, हम लोग इसे मार के पकड़ ले तो कितना ज्यादा बढ़िया रहेगा भाई, कुछ तो तगड़ा है। ओ उसे जमा दिया, मार 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 मेमोरस मार। अरे भाई अकेला है तो इसे मारा जा सकता है भाई वैसे, मार 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 मेमोरस। अबे जम गया तू तो, मुसांडा लक्स मारेगा इसको, मार मुसांडा। अबे तो तू है, भागो भागो भागो, वो पेड़ पे का चढ़ रहा हूँ मैं, पेड़ पेड़ का भाड़ में भाई, वो दो दो आ गए, उसने अपने भाई भाई को बुला लिया लग रहा है। मुसांडा मुझे बचा के रख, तू सारी मार खा, मैं जा रहा हूँ। वैसे जा रहा हूँ उसे छोड़ो, ये देखो यहाँ पर एक लार्ज नहीं ह्यूज एग है, ह्यूज फ्रोजन एग मिल चुका है भाई। मैं तो कह रहा हूँ इसको ऐसे नहीं पकड़ते, घर पे चलते हैं, क्या पता फ्रोजन एग में से मुझे मिल जाए। इधर भाई मुझे बैठा और यहाँ से निकलते हैं हम लोग, मैं तो कह रहा हूँ। अबे जमा दिया भाई, आज पिटाई होने वाली है, आज पिटाई होने वाली है भाई। वो मर गया, नाइट विंग तो मर ही गया भाई सीधा। ये बहुत खतरनाक एरिया में आ गए भाई हम लोग। मेरे बैग में भाई पता नहीं कितना ज्यादा सामान आ चुका है भाई, मैं क्या फेंकूं, क्या कैरी कर रहा हूं मैं, पत्थर फेंक दो भाई, तेज भागना है भी मुझे, ज्यादा सामान रखूंगा तो तेज नहीं भाग पाऊंगा। वैसे यार एक सेकंड, वो जो फ्री पैल अलायंस वाले होते हैं ना, वो उस टाइम पर उसको मार रहे हैं, अगर मैं भी उसका थोड़ा हाथ बटाऊं मारने में तो अपन इसे पकड़ तो सकते हैं भाई, उसकी एचपी बहुत ज्यादा कम लग रही है मुझे। गाइस वो मेरी तरफ आ रहा है, ओ बच गया, मारो उसको, मारो मारो, कैसे की तैसी, आज इसको धरेंगे। ये जब जमाता है ना, इसके जमाने वाले अटैक से बचना, तब भी मारता गंदा भाई। इसको ना तीन बंदे मिलके मार रहे हैं तब भी नहीं मर रहा ये, इसको अपना फेलबेट भी मार रहा है। मेमोरस तू मारे से, तू मेरा भाई है, इसमें आग लगा दे, मैं तो कह रहा हूँ। मेमोरस आग लगा, क्या कर रहा है, मुझे मार देगा भाई वो। वाह वाह पेड़ जला ले, पेड़ जला भाई, तू किसी काम का नहीं है, इसको मारना है मैं इसको। वेरी गुड, ये अच्छा अटैक होता भाई मेमोरस का, मजेदार। नाइस 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 नाइस, डैमेज अच्छा जा रहा है भाई, ये किसी बॉस पोकेमोन से कम नहीं है भाई। ये देखो आ गया,
हम लोग इसे सही जगह पीट रहे हैं भाई। वाह मेमोरिस्ट जम चुका है, मेमोरिस्ट की जान खतरे में आ गई सही बताऊं तो। अरे बाप रे मेरी भी जान खतरे में आ गई अब तो भाई। अभी से मार दो वरना मैं मर जाऊंगा। मुसांडा लक्स बढ़िया मुक्का वाला, नाइस, ऑलमोस्ट मरने वाला है। ओ तेरी छक्का लगा दिया उसने तो। ओह अगर अब मेरे ऊपर अटैक होगा मैं खत्म हूँ। क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। इधर आ। अरे ये क्या कर रहा है, बॉल रिजेक्ट कर दे रहा है। हाँ अबे वेट, इस वाली बॉल में हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर सकते। ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं इससे लड़ता ही नहीं भाई। चलो अभी तो पीछा छूट गया पता नहीं कैसे करके। चुपचाप निकल लेते हैं भाई यहाँ से। ये जो एरिया है यहाँ पर भाई छोटे मोटे पोकेमोन नहीं घूमते, आज मुझे पता चल गया। भाई साहब उस पोकेमोन को पकड़ने के लिए शायद मुझे गीगा स्फीयर चाहिए होगी, मतलब ब्लू वाली नॉर्मल पाल स्फीयर छोड़ो, मेगा स्फीयर भी छोड़ो, अपने को चाहिए गीगा स्फीयर। बाकी भाई गीगा स्फीयर से याद आया वो जाइंट ट्री कहाँ चला गया जहाँ के लिए हम लोग आए थे आज। यार देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि ना देखो थोड़ी देर में रात होने वाली है, अब हम लोग वैसे भी फास्ट ट्रेवल करके यहाँ पर आ ही सकते हैं तो क्यों ना एक बार ही अपने बेस पे वापस चल लेते हैं। भाई क्या खतरनाक था भाई यार उस नाइट विंग को तो जो मारा है ना उसने, मजा आ गया। चलो बेटा नाइट विंग यहाँ पे आके रेस्ट करो, थोड़ी देर बाद तुम उठोगे। अब मुझे यार कोई बढ़िया फ्लाइंग पोकेमोन चाहिए होगा, एक बार पहले पता करते हैं आखिरकार जो अपना गेल क्लाउ है उसका सैडल नहीं मतलब उसका लटकने वाला कैसे बनेगा। यार देखो मैं मेगा शील्ड भी बना सकता हूँ, इसको हम लोग अनलॉक कर लेते हैं, इसको आज मैं बनाऊंगा। और ये है कोल्ड रेजिस्टेंट वाला आर्मर, अपने को ये चाहिए। जब हम डेजर्ट में गए थे ना तो अब अपन ये आर्मर पहनेंगे ना तो अपने को गर्मी कम लगेगी। और ये क्या है भाई, डिग टॉयज हैंडबैंड। ओ अपना जो हम लोग ये नया पोकेमोन पकड़ के लाए ना उसका नाम डिग टॉयज है, और उसके लिए कोई हैंडबैंड आता है भाई ये देखो। अरे भाई कितना बड़ा है ये, तो क्या करता है तू, पत्थर वत्थर तोड़ने का काम करता है क्या भाई। मुझे लग रहा है पत्थर तोड़ने जा रहा है, बट जो भी हो भाई है तो बहुत खतरनाक है। 21 लेवल का, एक बार इसका डैमेज देखूं। ऐसे मुझे लगता है ना डैमेज वाइज इतना तगड़ा होगा क्योंकि कुछ खास स्पीड भी नहीं पाया था ये। 285 नॉट बैड भाई, डिफेंस इसका ज्यादा अच्छा है। 354 का डिफेंस तो मैं बताऊं मेमोरिस्ट का भी नहीं, 203 का डिफेंस है। मतलब इस पे तुम अगर अटैक करोगे ना तो इसको बहुत कम फील होगा, मतलब ऐसे कुछ चोट लगेगी नहीं। बाकी यार अभी अपने पास ना फास्ट ट्रेवल करने के लिए डायर हाउला इसको रख लेते हैं, इसके ऊपर बैठ के एटलीस्ट स्टेज में भाग पाऊंगा। और वे गेल क्लॉ के ग्लव्स में अनलॉक कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए, अनलॉक तो इसे कर लेते हैं बट इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा फाइबर लेदर एंड क्लोथ। वह फाइबर वाइबर तो लकड़ी से मिल जाता है भाई, फाइबर पड़ेगा तुम पे। यार इधर तो बहुत सारा वुड है, इधर से मुझे काफी सारा फाइबर और वुड मिल गया है, इन फाइबर के थ्रू मैं क्लोथ तो बना ही सकता हूँ ना। उसको देखो भाई ये क्या कर रहा है भाई, डिगटो इसको तुम लोग बढ़िया पकड़ के लाए हैं, ये तो ड्रिल मशीन की तरह पत्थर तोड़ रहा है भाई खर फुल स्पीड में। बढ़िया भाई बढ़िया, मुझे तो लग रहा था मैंने इधर मोटर कब लगा दी। मजे मजे में बढ़िया पोकेमोन पकड़ लिया भाई, ये फायदा होता है नई जगह घूमने का। बाकी ठीक है अभी ज्यादा हमने लोड उठा रखा अपनी बॉडी पे, सबसे पहले तो हम लोग लकड़ियां हटा देते हैं भाई सारी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो कि मुझे करना है वो है हम लोग ये जो नया एग ढूंढ के लाए ना, रुक जाओ मैंने वैसे यहाँ पर एक और एग रखा हुआ था जो कि 9 मिनट में खुल जाएगा। इसमें से मिलने वाला है मुझे एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन जो कि शायद से लार्ज वाला है, तो मतलब कोई बड़ा तगड़ा इलेक्ट्रिक पोकेमोन अपने को मिल सकता है। मैं 3-4 और नए एग ढूंढ के लाया हूँ, इसको भी हम लोग रखवा देते हैं भाई। ये तो ह्यूज फ्रोजन एग है भाई, कोई बर्फीला बड़ा पोकेमोन निकलेगा। यार अभी ना मेरे को एक नई चेस्ट बनानी पड़ेगी यार, स्टोरेज की सच में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है यार। टेक्नोलॉजी में चल के देखते हैं कोई बड़ा स्टोरेज बॉक्स नहीं खुलता क्या, एक मेटल चेस्ट खुल रही है। नहीं यार इसका साइज तो वही है, मुझे कोई लार्ज चेस्ट चाहिए, आई थिंक इसमें नहीं है। हम लोग छोटे वाले मल्टीपल ही बना सकते हैं, तो एक और मैं बना देता हूँ, ये वाला बनाते हैं थोड़ा इस साइड पे भी ना की कमी पड़ते जा रही है। चलो गाइस जल्दी से इसे बनाओ, इसमें थोड़ा सामान रखना, अंडे वंडे सारे इसके अंदर लाके रख दूंगा, मतलब खाने पीने वाले अंडे नहीं ये वाले एग जिसको मुझे थोड़े टाइम में इंक्यूबेट करना है। चलो भाई काफी ज्यादा रात हो चुकी है, फटाक से हम लोग चलते हैं सोने, नेक्स्ट डे वापस हमें जाना है उसी एरिया में ट्री तक क्योंकि हम लोग पहुंच नहीं पाए थे ना लास्ट टाइम। ऑल राइट गाइस गुड मॉर्निंग, अगला दिन हो चुका है, वापस से हम लोग चलते हैं। वैसे अगले दिन से याद आया मुझे गेल क्लाउ का वो बनाना था ना ग्लव्स, तो उसके लिए मुझे देखना था यार लेदर चाहिए ना अपने को। भाई ये देखो ये तो पहुंच चुका अपना पत्थर तोड़ने, लो भाई चालू हो गया, ये बढ़िया है भाई। अरे एक सेकंड मर्चेंट आया, अरे भैया उधर का घूम रहा है, मैं खरीदता हूँ यहाँ पे माल पानी, हाँ मेरे से बात कर। अपने को जो जो चाहिए भाई इससे खरीद सकते हैं यार, हमें खरीदना है लेदर बेच रहा है, अरे तू दे दे भाई पैसों की कमी नहीं है, हम लोग इससे थोड़ा सा लेदर ले लेते हैं। क्लोथ बेचता है क्या तू, कि लेदर से हम खुद बनाए फाइबर, चल छोड़ जा निकल। हमें क्या क्या चाहिए था, फाइबर चाहिए, लेदर एक और चाहिए, लेदर रुक जा कहाँ चला गया भाई। अरे भैया यहीं तो, अच्छा बुरा, अरे भाई खरीदने वाला मैं हूँ, पूरे घर में घूम रहा है, इधर आ, उनके पास कहाँ जा रहा है। हाँ थोड़ा सा लेदर एक और दे दे, अभी अपने को फाइबर चाहिए जो कि लकड़ी से हमें मिल जाएगा, फिर क्लोथ भी बना लेंगे फाइबर से ही। चलो तो ढेर सारा हमने यहाँ से फाइबर भी इकट्ठा कर लिया है, और इसको बनाने के लिए ना गाइस ऐसे फाइबर हमें और चाहिए होगा यार, फाइबर यहाँ पर इनफ नहीं मिला हमें, मैं खुद जाके लकड़ी तोड़ू तो मिलेगा क्या भाई। ठीक है यार खुद ही मेहनत करनी पड़ती है, चलो जल्दी से लकड़ी तोड़ना चालू करते हैं, लकड़ी के साथ साथ फाइबर भी मिलेगा, फिर क्लोथ बनाने हमें 20। ओके तो बहुत सारा फाइबर हमने यहाँ से इकट्ठा कर लिया, लकड़ियाँ कुछ ज्यादा ही आ गई, लकड़ियों का हमने इसे डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं।
बहुत अपने पास लकड़ियों की कमी नहीं है भाई, भर के है सब कुछ। बाकी भूख लग रही है भाई, खाना पूरा खा लेते हैं। और अपने पास एक अनयूज स्टार्ट पॉइंट है जिससे मैं सोच रहा हूँ अपनी हेल्थ एनहेंस कर लूँ थोड़ी। हेल्थ यार ज्यादा होनी चाहिए, बाकी इस चीज हम देखते रहेंगे। चलो तो अभी मैं क्या कह रहा था, पहले तो यहाँ से बहुत सारा एरो इकट्ठा करते हैं और अभी क्लोथ बनाना है ना अपने को, 20 क्लोथ बनाना है, तो 20 क्लोथ का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। चलो भाई सब लोग लग जाओ जल्दी से। ये होती हम लोग एक ऐसे ग्लव बना सकते हैं, वो एक बर्ड पे लगेंगे जिसके थ्रू मैं बहुत तेज और कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता हूँ। भाई रॉबिन क्विल सबसे ज्यादा फास्ट है, भाग कर अपने पास आ जाता भाई काम कराने। चलो गाइस तो फुल स्पीड में हमने सारा काम कर लिया, क्लोथ रेडी हो गई है। अपना आर्मर डैमेज था मैं इसे रिपेयर कर लेता हूँ। बाकी यार वो जो ठंड वाला आर्मर है ना, मेरे को ये बनाने का मन तो है। कहाँ चला गया, वेट वेट वेट, ये रहा। अरे बना भी सकते हैं भाई, बना लेते हैं ना फिर, इसमें दिक्कत क्या है। बट ये हाई क्वालिटी वर्क बेंच पे बनेगा यार, और सीन बस ये है कि अपने पास ना यहाँ पर हाई क्वालिटी वर्क बेंच नहीं है और मैं उसे बना भी नहीं सकता अभी। मैं एक काम करता हूँ, अपने पुराने बेस का हाई क्वालिटी वर्क बेंच लेकर आते हैं ना, वो ठंड वाला आर्मर बन जाएगा ना तो बढ़िया रहेगा यार, अपने को ठंड नहीं लगेगी। और वेट यहाँ पर भी नहीं है भाई, हमने तोड़ दिया वो। भाई देखो भी सारा मटेरियल अपने पास इकट्ठा हो चुका है वो ग्लव बनाने के लिए, बट प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उसे बना नहीं सकते क्योंकि वो शायद से हाई क्वालिटी वर्क बेंच पे बनेगा जो कि अपने पास नहीं है। अब देखो भाई हाई क्वालिटी वर्क बेंच बनाने के लिए हमें चाहिए 15 आयरन इंगेट और नेल, यानी बहुत सारा आयरन ढूंढने जाना है सिंपल भाषा में बताऊं तो। यार इस गेम में ना आयरन को लेके बहुत बड़ी समस्या यार, मिलता ही नहीं है। वैसे आज मैं एक बहुत बढ़िया पोकेमोन लेकर आया हूँ, कहीं पर भी कुछ ढूंढी खोदा खादी करने जाना है ना। कहाँ चला गया, ये रहा। इसको रखते हैं अपने पास, इसको लेकर चलते हैं भाई, पत्थर तोड़ने का काम ये ज्यादा बढ़िया करता है। अब इससे मैं हमेशा ध्यान दूंगा, मुझे कहीं पर भी आयरन दिखेगा ना भाई, मैं उसे तोड़ वोड़ के इकट्ठा कर लूंगा यार, एंड मोमेंट पे जब जरूरत होती है मिलता ही नहीं। जा भाई तोड़ इसको, बढ़िया। ये देखो भाई खट्टा ही खट तोड़ रहा भाई, थक गया जल्दी, वेरी गुड भाई, बढ़िया तो है। चलती फिरती मशीन लेके चल रहा भाई मैं तो अपने साथ। अरे तू बस घुमा रहा, कुछ मिल भी रहा, नाइस। अरे अरे अटैक करने किसने बोला, अरे भाई पागल हो गया, वो देखो अरे अरे भाई गुस्सा नहीं भाई, ये मारेगा उसको भी, ये मारा। अरे यार खाली पीली की लड़ाई कर रहा है। आ जा बेटा, कोई बात नहीं, आ जाओ वापस आ जाओ, मैं उसे देख लूंगा। अरे मत भाई रुक जा, फेलबैटी ने बता कर आई हो, जरा ज्यादा बदमाश हो रहे हैं। अभी देखो देखना इनके, एक ही मारेगा ये, एक दो में ढेरे हैं। अरे गया है इसका तो, टाटा बाय बाय हो गया। ऊपर वाला भी पिटेगा, एजीरो से पिटवाएंगे इसको। एजीरो बताइए जरा इसको क्या कर रहा है, ऊपर से देख कहां चढ़ा हुआ है। अभी मारेगा इसको, बबल से मारेगा, वो दया खा रहा है भाई। इसको मारू ना मारू, ज्यादा मार दे भाई। अब पिटाई ये मारे बबल, इसका गेम ओवर। अरे तेज मार भाई, दया क्यों खा रहा है, मार मार मार। चलो अभी गेम ओवर है उसका, 3-2-1। अबे क्या तेरा क्या दोस्त है क्या बचपन का, दया क्यों खा रहा है, मार ना। मुझे मारना पड़ेगा भाई, अबे ये खुद मर गया। नहीं नहीं जिंदा जिंदा, मारा, मुझे लगा खुद ही मरेगा भाई। चल आ जा, इतने पिद्दू से बंदे को मारने के लिए इतनी बड़ी टीम लग गई। फोड़ भाई पत्थर, भाई तू घिसाई कर देता बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, इसको साथ लेके रखूंगा भाई, जहां भी आयरन दिखेगा इसको बैठा देंगे, तोड़ ओड़ के इकट्ठा कर देगा। चलो भाई पूरा पत्थर हमने तोड़ डाला है, बट दिक्कत ही हो गई है अपने पास बैग में ही जगह नहीं है। अबे यार इतना आयरन इकट्ठा है, अभी आयरन की कमी थी, अभी इतना आयरन इकट्ठा कर लिया कि चल नहीं पा रहा हूँ। क्या दिक्कतें हैं भाई हमारी जिंदगी में, इस तरीके से वहां तक जाऊंगा तो अगले साल ही पहुंचूंगा भाई। कुछ ऐसा है भी नहीं जो फेंक दूं, फायर वो फेंक दूं क्या भाई, इसका ही वेट है पता है सारा, और कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, आधा ड्रॉप कर देते हैं, बाकी चीजें उठा लेता हूँ, ये आधा और ड्रॉप कर देता हूँ, दोबारा आके ले जाऊंगा। अरे तू क्यों लड़ रहा है भाई सबसे, बताओ, बच्चों को मारे पड़ा है भाई। हमारा आज का दिन ना वो एक ग्लव बनाने में ही पूरा वेस्ट हो चुका है, अब हमें कल जाना पड़ेगा। उस ट्री तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, कहने को इतनी पास लग रहा था जैसे अभी 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो यहां तक तो एटलीस्ट पहुंच गए हैं, इधर जितना है सारा लगा दो भाई प्रोडक्शन पे, ये दे दो। मैं काम करता हूं, डायर हल को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लेता हूं। चलो गाइस ऑल डन, जितना भी सामान हमें चाहिए था सारा का सारा मिल चुका है। अब फटाफट से चलकर हम लोग वो ग्लव्स क्राफ्ट कर लेते हैं जिसके थ्रू मैं बहुत फास्ट ट्रेवल करने वाला हूं। वैसे भाई मैंने क्राफ्टिंग पे लगा तो दिया, बट ये काम में इतनी ज्यादा देर लगेगी ये मैंने नहीं सोचा था भाई। दो लोग मिलके करवा रहे हैं, चलो भाई दो भी नहीं शायद से तीन लोग मिलके करवा रहे हैं। अरे भाई 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 ये ग्लव्स इतना ज्यादा टाइम लेंगे, ऐसा क्यों है। अरे हेल्प करो, कहाँ जा, अरे भाई क्या होगा, हंगरी, भूख लगी उसको। बट ठीक है यार, एक बार ये ग्लव्स बन जाए फिर अपना सीन बहुत ज्यादा सॉर्टेड हो जाएगा। हमें कहीं पर भी जाना होगा, हम लोग अपनी गेल क्लाउ जो बड़ा सा बर्ड वाला पोकेमोन है उसके ऊपर बैठ के ट्रेवल कर सकते हैं। ओ हेलो महारानी, इधर आ, इसको पकड़ते हैं, इधर आ, कैसे भाग, अरे भाई इधर आ। हाँ तो इसको लेके चलते हैं और इसको बोलते हैं कि अपना दिमाग यहाँ पे लगा, ठीक है भाई। ये क्या है सीन, इसका ट्रांसपोर्टिंग पे लग गई भाई, ठीक है वो करने दो, मुझे खुद ही से ब्रैट के क्राफ्ट करना होगा भाई, क्या है ये। अरे रुको यार, मेरे पास कोई तो बढ़िया पोकेमोन होगा जो मेरी मदद करेगा। हाँ अपने पास पेन किंग का बॉस पोकेमोन है ना, इसको रखते हैं, ये अपनी मदद करेगा। चल भाई इस पे काम पे लग जा, बढ़िया। अभी हम दोनों मिलके बनाते हैं भाई से जल्दी से। भाई तू क्राफ्ट कर रहा है या डांस कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 4 3 2 1 फाइनली गेट क्लॉक के जो
हैंड ग्लव्स है वो हम लोगों ने बना लिए। अब चल के उसे भी ढूंढते हैं। गेल क्लाव कहाँ पे है भाई? अरे मेरे पास है तो ना। हाँ ये रहा, मैं डर गया था भाई। चलो अपने पास काफी कम लेवल का छोटा सा है, लेवल 10 का है, बट मैं इसका यूज कर सकता हूँ ना। अरे भाई तू उड़ता कहाँ जा रहा है, इधर वापस एक बारी। गाइस एक मिनट रुको यार, मैंने गेल क्लाव के ग्लव तो बनाए हैं पर अगर मैं सही बताऊँ तो मुझे पता नहीं चल रहा उसे यूज कैसे करना है। अरे भाई इधर आ, नीचे कहाँ चले गए उसके ग्लव। ओके वेट, शायद से मुझे मालूम पड़ चुका है कि मुझे इसे यूज कैसे करना है। जब मैं हवा में होऊंगा ना तो ये वर्क करेगा एक पैराशूट टाइप, तो मतलब जैसे ग्लाइडर से वर्क करते हैं शायद वैसे वर्क करेगा। ये देखो ये मुझे ऐसे लेकर जाएगा बहुत ही ज्यादा दूर दूर तक। मैं सोच रहा था कि कोई सैडल टाइप है, बट अगर मुझे इसे यूज करना है तो पहले मुझे कहीं बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे ऐसे जंप करा देगा। कोई सीन नहीं, हम लोग ज्यादा हाइट पे चलेंगे और उसके थ्रू बहुत तेज और बहुत फास्ट ट्रेवल कर लेंगे। फिलहाल अभी मैं अपने पास रखने वाला हूँ, रुको यार क्या रखे अपने पास, डायर हल को हटाते हैं। कोई खतरनाक पोकेमोन चाहिए होगा जो हमारे साथ चले, तो हम लोग मुसांडा को लेकर चलेंगे। एंड अभी हम लोग ट्रेवल करते हैं उसी जगह पे जहाँ पर हम लोग लास्ट टाइम गए थे। ये रहा, लेट्स गो गाइस। अभी हम लोग वापस से उस ट्री वाले एरिया पे आ चुके हैं, कोल्ड शोर इस जगह का नाम है। हमने जो गेल क्लाव का सैडल बनाया ना भाई, वो यहाँ पर काम नहीं आने वाला क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाइट है। एक तरीके से हमें क्लाइम करना है, वो तब काम आएगा जब हमें नीचे की साइड पे जाना है। भाई वैसे एक चीज तो यार, इस जंगल में मैमोरेस्ट बहुत ज्यादा यार, मतलब प्रॉपर मैमोरेस्ट का जंगल है। यहाँ के नॉर्मल एनिमल है मैमोरेस्ट। वेट एक सेकेंड, सामने मुझे कोई टावर तो दिख, टावर है क्या ये, कुछ तो है बहुत ज्यादा बढ़िया सा, बट वो जो ट्री है वो वहां पे अभी काम आएगा ना ये। इसको लेकर चलते हैं, ये एकदम इसी एंगल में थोड़ा थोड़ा नीचे ले जा रहा है वैसे, पर ठीक है यार बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो रहा है मेरे को तो इसके थ्रू। नाइस, अभी हम लोग काफी ज्यादा दूर आ गए हैं। अगर अभी मैं पैदल आता ना तो बहुत ज्यादा लंबा पड़ता। ट्री सामने है तो मुझे ना डायरेक्ट यहाँ से स्ट्रेट ही जाना चाहिए। रास्ते यहाँ पर और भी काफी सारे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं अगल बगल में। कोई बहुत बड़ी सी ऐसे लग रहा है टूटी हुई फैक्ट्री है किसी चीज की, उसे बाद में देखेंगे, अभी पहले चुपचाप नीचे उतरते हैं। यार सही में ये एरिया तो बहुत ही ज्यादा अजीब है भाई, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पोकेमॉन्स नहीं कुछ अलग ही फ्यूचरिस्टिक मॉन्स्टर होंगे, रोबोट टाइप। चलो गाइस मैं क्लाइंब करता करता काफी ऊपर आ चुका हूं और अभी मुझे लग रहा है कि हम लोग उस ट्री के बहुत ज्यादा पास पहुंच गए हैं। यहां से एक बारी और वो ग्लाइडर यूज करते हैं और चलते हैं जहां तक हम लोग मैक्स पहुंच सकते हैं। नाइस, सामने वाले एरिया पे हमें लाकर इसने ड्रॉप कर दिया है। भाई सही बताऊं तो देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि इसके आगे कोई दुनिया है ही नहीं, एकदम एंड लग रहा था बट है। ये देखो ट्री हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, मैं वहां तक पहुंच भी पाऊंगा या नहीं समझ ही नहीं आ रहा यार, कितना ज्यादा दूर है भाई ये, कितना ज्यादा दूर है। जैसे जैसे मैं उसके पास जा रहा हूं वो उतना ही दूर जाता जा रहा है। बार बार ऐसा लगता है कि मैं उसके थोड़ा आसपास पहुंच गया हूं बट नहीं, हम लोग अभी भी उससे बहुत दूर है। मैं गलत जगह पानी में गिर गया भाई, मैं डूब के मर जाऊंगा, तो चढ़ने की जगह ही नहीं है। छी भाई, भाई वेट 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 वेट, मैं ना गाइस मर गया था और अभी मैं अपने साथ डायर हाउल कराया हूं ताकि मैं जल्दी से भागकर उसी वाली लोकेशन पे पहुंचूं जहां पर मैं लास्ट टाइम मरा था। बट इधर आप देख रहे हो ये कुछ तो अलग ही भाई, पैल जेनेटिक रिसर्च यूनिट एग्जिक, पता नहीं क्या है भाई ये, गन वन लेके खड़े हैं एकदम फ्यूचरिस्टिक से, ऐसा लग रहा है बस इनके पास मैं अगर गया तो गोलियों से भून डालेंगे मुझे। तो सही तो यही है कि भाई अपना ये एक सेकेंड भाई, माउक्रिस्ट ये कोई तो बिल्ली है पर लेवल 31 की है, क्या मुझे इससे पंगे लेने चाहिए? अरे रुक जा, तेरे को नहीं पंगे लेने, मुझे लेने। मारो इसे, मार देना पर भाई, क्योंकि मार नहीं पाए तो वो मुझे, अरे भाई गड़बड़ हो गई। अरे कितने खतरनाक लोग है भाई, एक में उड़ा दिया मुझे। अरे रुक जाओ भाई, मुझे ऐसे नहीं करना, मेरा जितना सामान है सारा खो जाएगा। रुको रुको भाई, मैंने एक बिल्ली को मारने की लालच में खाली पी ली। ठीक है भाई, इस बार कोई मस्ती नहीं, मेरे पास मेरा डायर राहुल का है। जल्दी आ भाई, मुझे बैठा, जल्दी से भाग के चलते हैं अपनी मरी हुई लोकेशन पे, मेरे को अपना सारा सामान चाहिए। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मैं आज के दिन उस जगह तक पहुंच पाऊंगा या फिर नहीं जहां पर वो ट्री है। अरे पानी में गिर के वापस नहीं मरना, मुझे लैंड चाहिए जहां पे मैं चढ़ सकता हूं। रुको, अगर मैं इसको भेजू ये मुझे बिठा लेगा ना। नाइस, अभी अपने पास बचने का सोर्स है। अगर लास्ट टाइम मेरे पास यही होता तो मैं पानी में डूबता नहीं यार, नाइट विंग का यही फायदा है। पर भाई नाइट विंग को भी ना खाना चाहिए होता है और खाना सामने पड़ा हुआ है, पहले खाना लेकर इसे खिलाते हैं। पूरी टीम इस टाइम पर मेरी हंगरी है भाई, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आखिर उस ट्री के पास जाने के चक्कर में हम लोग कैसी सी जगह पर आ गए हैं भाई। वहां पर कहाँ है हमारा सामान यार, ऊपर गिरा हुआ है क्या? ऊपर लेके चलिए भाई जरा, ये सारा करते हैं अंदर। नाइस भाई, अभी लग तो रहा है कि मैं उस ट्री के काफी ज्यादा पास पहुंच चुका हूँ, मतलब हद से ज्यादा पास तो आ गए हैं। लेट्स गो, आज बस मैं नाइट विंग को लेके चलता ही जाऊंगा, देखते हैं भाई कब तक हम लोग इसके पास नहीं पहुंच पाएंगे। भाई ये जो ट्री है ये देखने में ऐसा लग रहा था कि अपने बेस से कितना पास है, एकदम ऐसे बगल में ही दिख रहा था, और आप मानोगे नहीं मैप में मैं कितना दूर आ चुका हूँ भाई। यहाँ था अपना बेस, हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं और अभी भी मैं इस ट्री तक नहीं पहुंच पाया हूँ। पता नहीं भाई मैं इतना दूर आ गया हूँ, वहां पे कितने खतरनाक पोकेमॉन होंगे। और वो देखो भाई मून, देखो कैसे मून उग रहा है।
सबको यार अपनी पहली टीम हंगरी है, सबको खाना खिलाते पहले। लेट्स गो। सबने पेट भर के खाना खा लिया है। यार वो ट्री सच में पास में ही है ना यार, कि अभी भी वहां पे पहुंच के पता चल रहा है कि उतना आगे और जाना है। चलो भाई अभी हम लोग एक सरफेस पे आ चुके हैं, यहाँ पर ना मैं अपने डायर हाउल को यूज कर सकता हूँ चलने के लिए। थोड़ा सा ऊपर लेके चल नाइटविंग मुझे। अरे ऊपर उतार। चलो नाइटविंग की मदद से थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, उसके बाद डायर हाउल को उतारेंगे और उस पर बैठते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको उतार देता हूँ वापस। आ जा भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर उधर मत जा भाई, यहाँ पे कुछ खतरनाक पोकेमोन हो सकते हैं रात के टाइम पे। ये देखो भाई यहाँ पर जो ये पैल के क्या नाम है इनका, पैल जेनेटिक रिसर्च यूनिट एग्जीक्यूशनर, पता नहीं क्या ही है भाई ये लोग। सारे के सारे सो रहे हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा हैवी आर्मर्ड वाले खतरनाक लोग हैं। इनके पास तो वेपन भी बहुत तगड़े तगड़े हैं। यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट भी हैं। गीगा स्फीयर मिल गया मुझे उनमें से। गाइस देखो जाना तो अभी भी यहाँ से बहुत ज्यादा आगे है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना अरे नाइटविंग को ही उतारा जाए। अरे भाई यहाँ पर तो ठंड हो रही है, हम लोग को शायद से भाई हम लोग आगे नहीं जा सकते। पता है सीन क्या है, बगल में मेरे बर्फीली बायो में तुम्हें ट्री दिख रहे ऊपर व्हाइट व्हाइट, वो उस पे बर्फ जमी हुई है। या तो मैं एक तरीका रुक जाओ, हम लोग अभी रुकेंगे नहीं, हम लोग को ट्री की जड़ दिख चुकी है। थोड़ा सा लेफ्ट से होकर जाते हैं, उस बर्फ वाली साइड से ना जाते हुए थोड़ा सा लेफ्ट से होकर जाएंगे ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट मुझे अभी ऐसी फील आ रही है कि मैं ट्री के बहुत ज्यादा पास पहुंच चुका हूं, बहुत ज्यादा। पर यार जो भी हो इधर ऐसी कैसी ठंड है कि मेरे हाथ में मतलब प्रॉपर फायर वाला टॉर्च है फिर भी मेरे को दूर जाना पड़ रहा है घर मतलब ठंड की वजह से। भाई ये कितना ज्यादा बड़ा ट्री है यार, कितना ज्यादा बड़ा। इसके आगे हम लोग पिद्दू से दिखेंगे। अरे यार आगे जाना इम्पॉसिबल है, मतलब पॉसिबल है बट इस सूट में आगे जाना बहुत इम्पॉसिबल है। क्या तो मुझे कोई प्रॉपर वैसे कपड़े लेकर आने पड़ेंगे क्या जो बिल्कुल ही ठंड प्रोटेक्शन वाले हो। बहुत ज्यादा रात हो रही है, मुझे लग रहा है जब तक मैं वहां पहुंचूंगा दिन हो जाएगा शायद। यार एक तो पता है अभी सीन भी क्या है, रात हो रही है ना ठंड वैसे ही बढ़ जाती है क्योंकि सनलाइट ही नहीं है ना। शायद से जब थोड़ा दिन का टाइम होगा तब हम लोग उस जगह के पास जा पाएंगे। और वो जो टेलीपोर्ट वाली जगह वो देखो सामने ही है, मुझे दिख रही है, पर हम लोग वहां पे जा नहीं सकते। यार बहुत ज्यादा खराब लगेगा कि इतनी ज्यादा मेहनत कर इतना ज्यादा ट्रैवल कर हम लोग इस ट्री तक पहुंचे बट उसके पास इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि अपने पास वैसे कपड़े वैसे आर्मर नहीं थे जो ठंड में चले। क्योंकि भाई देखो जैसे मैं उस ट्री के पास जाने का ट्राई कर रहा हूँ मेरी हेल्थ कम हो रही है क्योंकि अपने को बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। भाई देखो अभी ना मैं उस बर्फीली वाली जगह से तो बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ। अब एक बार इस ट्री के पास जाने का ट्राई करते हैं, अगर नहीं जा पाए। अरे नहीं जा सकते भाई, जा ही नहीं सकते, अपने को वो आर्मर चाहिए। क्या यार ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, इतनी दूर हम लोग ट्रेवल कर आए हैं, एक कोने से दूसरे कोने आ गए ऐसा लग रहा है। यार मुझे पहले पता होता ना कि यहाँ पर आने के लिए अपने को बर्फ से बचने वाला एकदम तगड़े वाला आर्मर बनाना है, मैं बना लेता। मैं अपने हाथ में टॉर्च भी लेके रख रहा हूँ ना जिससे कि गर्मी मिले एक्स्ट्रा, तब भी कुछ बात नहीं बननी है क्योंकि ठंड बहुत एक्सट्रीम है उधर। ये देखो मैं जाने का कोशिश कर रहा हूँ और इस बार मैं जा पा रहा हूँ। वेट मैं जा पा रहा हूँ अभी, लेट्स गो। एक बार थोड़ा सा और आगे चलकर देखते हैं फिर खुश होंगे, अभी रुक जाओ, अभी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। बट मुझे ऐसी फील आ रही है कि हाँ या तो हो सकता है कि रात खत्म हो गई क्योंकि अभी अगला दिन लग चुका है भाई देखो, इसलिए हम लोग जा पा रहे हैं। बट कितना ज्यादा ह्यूज ट्री है भाई ये, एक बार में पूरा स्क्रीन में भी नहीं आ रहा है। ये देखो आ गया भाई आ गया। तुम नीचे से लेकर टॉप तक पता नहीं यार यहाँ पर क्या होगा भाई, कुछ खतरनाक ऐसा पोकेमोन ऐसे बैठा हुआ मिल जाए जो कि यहाँ बोले कि हाँ भाई आओ मुझे ले जाओ अपनी टीम में, ऐसी दिल को खुशी मिलेगी ना। मतलब अपना इतना लंबा ट्रैवल करना सफल हो जाएगा भाई पूरा। मतलब तुम खुद देखो अभी भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग उसके बहुत ज्यादा ही पास है, ऐसे पहुंच जाएंगे। बट मैं सही बताऊं मैं बहुत देर से इसको उड़ा रहा हूं पर अभी तक नहीं पहुंचा हूं। मैं मानता हूं ये स्लो है बट इतना भी ज्यादा स्लो नहीं है कि भाई पता ही ना चले कब पहुंचेगा। वैसे सही में यार बिल्कुल मजाक नहीं, मैं खुद जानना चाह रहा हूं भाई कब पहुंचूंगा इसके पास। ये ट्री तो आने का नाम ही नहीं ले रहा है, बहुत ज्यादा दूर है क्या यार ये। मैप में देखूं, मैप में भी कुछ नहीं समझ आ रहा है यार ये ट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है ना कि कहीं ऐसा है कि मैं जितना इसके पास जा रहा हूँ ये उतना ही दूर जाता जा रहा है। मुझे कोई पानी के डॉल्फिन वोल्फिन जैसे पोकेमोन को लेना था, उसकी बहुत अपग्रेड करके उसे आना चाहिए था। मैं लेकर आऊँ सारे वो पोकेमोन जो मस्त उड़ते हैं, कोई मस्त जमीन पे भागता है, बट यहाँ तो जमीन ही नहीं है ना भाई। गाइस पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने साथ स्कैम हो चुका है, ये ट्री एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत हो गया भाई, मैं कहां से आया हूं भाई, ये देख रहे हो तुम कितना उड़ चुका हूँ। रुको यार इसने बहुत घुमा लिया, थोड़ी देर ना उतर के मैं पैदल जाके देख रहा हूँ, मेरा स्टैमिना खत्म होगा, मैं इसको बुला लूंगा वापस, मतलब मैं इसके ऊपर जाके बैठ जाऊंगा। बट अभी तैरते हुए चलते हैं। मैं सही बताऊँ तो यार बात एक ही है, इसके ऊपर जाओ या कुछ जाओ। एक बार टोर्नेडो अटैक करके देखते हैं भाई, थोड़ा सा तेज जाएगा। जा फुल स्पीड में, वेरी गुड, इसी तरीके से चलते हैं भाई, अभी टोर्नेडो अटैक करते करते चलेंगे, शायद से जल्दी पहुंचे। नाइस वापस यही तरीका भाई, अभी बहुत तेज स्पीड में आगे जाने का। ओ हाँ अभी ऐसा लग रहा है कि भाई ओए आ गए हम लोग, पहुंच गए गाइस, पहुंच गए भाई, मुझे जमीन दिख गई। ओ भाई फाइनली हम लोग उस ट्री के पास पहुंच चुके हैं। ओ भाई मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा सच में। अरे
ये कर रहा है, ये नहीं हो सकता भाई, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। ये देखो कुछ रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है भाई, ये क्या है यार, ये मैप का बॉर्डर है भाई, ये क्या शोपीस के लिए लगा रखा है क्या वाला ट्री। गाइस हम लोग पहुंच के भी नहीं पहुंच पाए भाई, यार कितनी गलत बात है गेम वालों, कितनी गलत बात है भाई, तुमने सपने तोड़ दिए मेरे सारे। मैं देखो जा ही नहीं सकता आगे, ये गेम का बॉर्डर है भाई, मैं करूँ क्या ना, मैं बर्फ के पास जा पाऊंगा। छी भाई छी, तभी मैं कहूँ कुछ तो गड़बड़ थी भाई, शुरू से ही गड़बड़ लग रही थी। वापस चलो, अब मैं वापस कोई दूसरे रास्ते से जाऊंगा, ताकि मुझे रास्ते में वापस जाते कोई नया एरिया मिले। भाई मुझे काश पता होता यार, इतना बड़ा ट्री लेके मैं निकला और अपने साथ हो गया है प्रॉपर स्कैम। इतना प्यारा ट्री था, मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच के आया था भाई, यहाँ पर क्या होगा। ये ऐसा ट्री है कि गेम में हर जगह से दिखता है भाई। बहुत उम्मीदें थी मेरी कि इधर कुछ तो खतरनाक होगा, कोई बहुत बड़ा बॉस पोकेमोन होगा, जिसको देख के फाइट करके मैं मर भी जाता ना तो भी कोई दुख नहीं होता, कि एटलीस्ट इतना ट्रैवल करके मुझे कुछ देखने को मिला, कुछ बढ़िया देखने को मिला। बट नहीं भाई, यहाँ पे देखने को मिला एक दीवार। चलो खैर स्कैम हो चुका है, अभी कोई बात नहीं, सीधा सीधा भागते हैं अभी फटाफट से। यही एक बेस्ट तरीका है जिससे हम लोग फास्ट ट्रैवल करके उस साइड पे जा सकते हैं। गाइस देखो मुझे ना सामने की तरफ एक माउंटेन दिख रहा है, मैं बस सोच रहा हूँ कि उसी साइड से जाऊँ। वरना देखो ऑप्शन पता क्या था, कि इधर जहाँ बर्फ़ है ना वहाँ पर एक फास्ट ट्रैवल वाला पॉइंट था, बट मैं उधर जा नहीं सकता क्योंकि बर्फ़ है और अपने पास कपड़े नहीं है जिसको लेके हम ठंड में जा पाए। तो ये जो माउंटेन है, पक्का यहाँ पर आसपास कोई ना कोई एरिया होगा जिसके थ्रू मैं फास्ट ट्रैवल कर सकता हूँ। वैसे अगर एक बार मैं लैंड पे पहुंच भी जाऊँ तो अपने पास दायर हाउल है, उस पर बैठ के चलेंगे भाई, वो कुत्ता बहुत तेज भागता है। अब भाई ऐसा ना हो कि ये जो माउंटेन है ये भी फेक है भाई, ये तो रियल है ना। एक मिनट रुक जाओ भाई, अरे यार अब ऐसा मत करो भाई मुझे प्लीज। नहीं नहीं ये वाले रियल है। कितना ज्यादा भाई, कितना ज्यादा डिस्टेंस में ट्रेवल करके आया था भाई इस पेड़ के पास। मुझे पता लग ही रहा था कुछ गड़बड़, आधे रास्ते जब मैं आया था ना मुझे तभी लग गया था कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं स्ट्री के जितना ज्यादा पास जा रहा था भाई ये उतना मेरे से दूर जा रहा था, और गड़बड़ यही थी वो। बट यार जो भी कह लो, ये ट्री दिखता तो बहुत ही ज्यादा शानदार है, हो सकता है इन फ्यूचर ये अनलॉक हो जाए या फिर मैप की न्यू DLC आए तभी होगा। होगा 100%, इसमें कुछ ना कुछ तो ये अनलॉक करेंगे इसे। अभी ये जो गेम है ये थोड़ा अर्ली एक्सेस में है ना, तो इसलिए शायद से ना खुला हो। तो चलो गाइस फाइनली पूरे आधा घंटा ट्रैवल करने के बाद हम लोग वापस से लैंड के पास पहुंच चुके हैं भाई। बहुत ही ज्यादा लंबा सफर था। वैसे सही बताऊं तो अभी भी नहीं पहुंचे, पता नहीं ये कैसा सा एरिया है यार, यहाँ पर टेढ़े मेढ़े से पहाड़ है, यहाँ पे पैदल चलना भी मुश्किल होगा। मेरे को लग रहा है कि हमें क्लाइंबिंग ही करनी पड़ेगी भाई इन माउंटेन्स पे। भाई इन पहाड़ों पे चढ़कर इधर उधर भटकने से बढ़िया तो यही है कि मैं नॉर्मल पानी में ही जाऊँ और थोड़ा सा आगे का रास्ता कवर करूँ। गाइस मुझे ना वो लेफ्ट टॉप वाली साइड पे एक कासल दिख रहा है, मतलब प्रॉपर कासल तो नहीं है बट कासल जैसी वॉल्स हैं और बड़े बड़े वॉच टावर्स हैं जो कि एक कासल में ही होते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ पर, अगर कुछ भी नहीं है तो प्लीज फास्ट ट्रेवल दे दो, मैं अपने बेस पे वापस जा पाऊँ। यार वैसे मन तो नहीं है डायरेक्ट बेस पे वापस जाने का, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बढ़िया पोकेमॉन्स घूम रहे होंगे जिनको हम लोग मार कूट के पकड़ सकते हैं भाई, क्योंकि अभी हम लोग कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे भाई कुछ ना कुछ तो नए जीव जंतु पक्का होंगे। चलो भाई नाइटविंग थैंक यू, आपकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, काश तू होता ही ना हम लोग वहाँ तक जाते ही नहीं, ये था तो गए और इसकी वजह से इतना टाइम वेस्ट हुआ है। चलो अभी रखते हैं डायर ऑल को, ये बढ़िया सॉर्टेड सीन है, अभी इस पे बैठ के बस तेज भागना, अब जमीन आ गई ना तो टेंशन नहीं है। बस यहाँ से हम लोग फटाफट चलते हैं, इस जगह का नाम है माउंट ऑब्सीडियन। भाई ये क्या ऑब्सीडियन है क्या भाई, माइनक्राफ्ट वाले मजबूत, देखने में तो वैसे से ही लग रहे हैं भाई, देखना कितने ज्यादा मजबूत पत्थर है। वैसे वो जो मुझे दूर से देखने में कासल लग रहा था वो एक्चुअल में कासल है, बट यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा है यार, मैं शायद से उस तरफ नहीं जा सकता। आई मीन मैं जा सकता हूँ बट उधर वापस वही बहुत गर्मी लगेगी, तो ओए एक सेकेंड, गर्मी तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, अपनी हेल्थ कम होना चालू हो गई है बेमतलब में। पानी में चले जाऊं क्या, पानी ठंडा है, ओके हाँ पानी थोड़ा नॉर्मल है भाई। क्या यार हम लोग कैसे से एरिया में आ गए, यहाँ पर तो अपना रहना मुश्किल हो चुका है। रुको यार थोड़ा बहुत खा पी लेते ताकि हेल्थ अगर कम हो अचानक से तो उस टाइम पे ना खाना पड़े, जल्दी जल्दी बढ़े हेल्थ। वैसे कासल आगे वाली साइड पे भी है और यहाँ पर कुछ अलग मॉन्स्टर है, ये देखो कैल्पसी नाम के पता नहीं क्या है ये। वेट यहाँ पर तो वो उड़ने वाला मॉन्स्टर भी, इसको तो हमने मारा हुआ है इसको। ओए यार ध्यान ही नहीं दिया बेचारा, वो मर गया, थक के मर गया भाई, उसको हमने बहुत दौड़ाया यार आज, और पानी में मैंने उसे डुबा रखा था तो उसे बिल्कुल भी स्टैमिना लेने का टाइम ही नहीं मिला और बेचारा मर गया। चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कासल पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पर अंदर चलकर देखते हैं भाई। ये जगह बढ़िया बट ये भी हॉट है यार, क्या करूं मैं अपने आप को कूलिंग देने के लिए। अपने पास आइस ऑर्गन है, इससे कुछ कर सकते हैं क्या यार, उधर जाओ तो ठंड लगती है इधर आओ तो गर्मी लगती है। अभी हम लोग कुछ ऐसे लेवल्स पे आ चुके हैं भाई, यहाँ पर अगर घूमने भी आना है तो हमें कोई ना कोई अलग आर्मर बनाना
पड़ेगा। मतलब तुम मानोगे मुझे बस आगे जाना है तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि बहुत गर्मी है। जब तक मैं पानी में हूँ तब तक ठीक है, जहाँ मैंने आगे जाने का ट्राई करा मुझे गर्मी लगेगी। एक बार वो ट्राई करते हैं बस। बॉडी गीली है तो शायद से मैं जा पा रहा हूँ, मेरी बॉडी जैसी शायद से सूखेगी। ओ वेट, अभी अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओ नहीं, दिक्कत है। वापिस चलो। क्या यार, कैसी सी जगह पर आ गए हैं हम लोग। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी क्यों रही है भाई इधर। मैंने जो आर्मर पहना है, कौन सा आर्मर है ये, वॉर्म है ना, इसको हटा देते थोड़ी देर के लिए तो शायद से अपने को गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। यार लग रही है भाई। अरे अरे रुको यार, गर्मी लग रही है, पानी में डुबकी मारो। हे यार, कोई आसपास फास्ट ट्रैवल है मुझे वो दे दो, मैं सीधा घर चले जाता हूँ। अबे वेट गाइस, मुझे कुछ खतरनाक दिख चुका है सामने। वो देखो ये क्या चीज है, रेप्टायरो। ये तो प्रॉपर एक फायर पोकेमोन है भाई। ये बॉस पोकेमोन है क्या? नहीं नहीं भाई, ये यहाँ का नॉर्मल पोकेमोन है, मेमोरस टाइप। मैं इससे फाइट ले सकता हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि हमें इससे आज फाइट नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो पहली बात तो 36 लेवल का है और अपने पास प्रॉपर तगड़े वाले पोकेमोन नहीं है। अपने पास मेमोरेस्ट है, फेल बैट है, बाकी मोसांडा वगैरह सब मैं घर पे छोड़ के आया था। हम लोग इससे लड़ेंगे, इन फ्यूचर लड़ेंगे, आज नहीं। बट आज अपना दिन नहीं है, हमें गर्मी वर्मी वैसे ही लग रही है। वो मारे ना मारे हम लोग गर्मी से जरूर मर जाएंगे। बट हाँ यार, जो भी है, हम लोग एक नए एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर मैं दोबारा आऊंगा नए आर्मर बना के, एक ठंडे वाला आर्मर है और एक गर्मी वाला आर्मर। अभी मुझे बस एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट चाहिए अपने घर पे वापस जाने के। एक अपना लास्ट सहारा था डायर हाउल, जिसमें मैं बैठ के इधर उधर घूम रहा था बेचारा, वो अलग मरवा दिया मैंने। ओके। अभी मुझे समझ आया मुझे गर्मी लग क्यों रही है। ये प्रॉपर डेजर्ट साइड वाला बायोम है। सामने तुम देख रहे हो भाई, कितना ज्यादा खतरनाक माहौल हो रखा है भाई। कितने ज्यादा बड़े बड़े हड्डी के कंकाल पड़े हुए हैं भाई। यहाँ क्या सीन है, ये बहुत सारे अलग टाइप के पोकेमोन भी यहाँ पर घूम रहे हैं। पर इधर उतरना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना, इधर गर्मी बहुत है और नाइट विंग की भी हालत यार थोड़ी थोड़ी खराब हो ही रही है भाई। भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है यार, बाद में मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा भाई। ये देखो, ये सब कौन है, विक्सेन 29 लेवल के। यार लड़ने का इन मन इनसे मेरा बहुत ज्यादा कर रहा है, बट नहीं लड़ सकते, मैं जमीन पे ही नहीं उतर सकता हूँ भाई। पीछे मेरे एकदम डेजर्ट जैसा गर्म माहौल था और सामने देखो बर्फ आ चुकी है। बर्फ है क्या ये? अच्छा नॉर्मल पत्थर है, बट ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा बर्फ के जमे हुए हैं। चलो पता नहीं मैं कहीं पर तो आ चुका हूँ। यहाँ से और आगे जाना है तो भाई कितना आगे जाना है, थोड़ा बहुत नहीं, बट मुझे लगता है कि बीच एरिया में मुझे कहीं ना कहीं पर तो फास्ट ट्रेवल मिल जाएगा, जिसके थ्रू मैं जल्दी से अपने घर पे पहुंच पाऊंगा। भाई इस एरिया में कैसी अजीब सी आवाज आ रही है, और ये क्या है भाई, ये तो कुछ नए पोकेमोन है। रुक जाओ, इलेक्ट्रिक पोकेमोन है। पहले बुलाओ भाई वापस इसे, इनको मारते हैं। ये तो 13-14 लेवल के है, इनको मार देना चाहिए। मार उन्हें भाई, अरे आराम से मार दिया तो इसने, जो इसको तो मैं ही मार दूंगा। चलो बेटा अंदर चलो, इजीली आ जाएगा, मर मत जाइयो। चलो ये अब आ गया। थोड़ा नया पोकेमोन दिखता है तो मैं हमेशा पकड़ लेता हूँ भाई, अपने को बढ़िया पोकेमोन। अरे ज्यादा शाणा नहीं, चुपचाप अंदर चल। अरे अटैक करने में लगा हुआ भाई, मैं इस पर अगर एक अटैक और कर दूंगा ना ये मर जाएगा। अब आ गया। नाइस, चलो हमने एक नया पोकेमोन यहाँ पर पकड़ लिया है। वैसे गाइस, जिस एरिया में मैं आया हूँ यहाँ पर एक बॉस पोकेमोन रहता है ऊपर, क्या बोलते हो उसे लड़ लेना चाहिए? भाई ये एरिया में ना अजीबो गरीब सी आवाज आ रही है, कुछ तो पता नहीं किस चीज की आवाजें हैं। यार एक तो ना मैं पहले आर्मर पहन लेता हूँ, मैं बिना आर्मर के चड्डी में घूमता हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हूँ। वैसे यार काफी ज्यादा रात हो चुकी है, थोड़ी देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा। भाई ये एरिया में इतनी खतरनाक आवाज क्यों आ रही है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा गंदा है भाई। वो वेट ऊपर, ये क्या चीज है, ये तो बहुत छोटे से लेवल का पोकेमोन है, इसको मार दूंगा मैं तो अकेला ही, लेवल 9 है बस। क्या करता है, फायर फेंकेगा ये, जैसे कि कोई पागल है। ओ तेरी की पागल, चल अंदर, वेरी गुड। आ मुझे मार के गया भाई, चलो आजा, बहुत बढ़िया भाई। इस जगह पर अजीबोगरीब पोकेमोन तो मुझे मिल रहे, बट मैंने पकड़ लिया उसे। खैर अभी मैं क्लाइम करते करते बहुत ज्यादा टॉप पे आ गया हूँ, और यहाँ पर पूरा यहाँ पे एक 29 लेवल का बीकन नाम का बॉस पोकेमोन है। क्या मुझे इससे फाइट कर लेनी चाहिए या फिर मैं बाद में आऊँ? भाई इसका एरिया कैसा है देख रहे हो तुम, इससे आज नहीं, इससे बाद में लड़ेंगे यार, अभी ना अपनी पूरी आर्मी है नहीं। वैसे यार फाइट करने को तो कर सकता हूँ इसको, मैं मेरे को लगता है मार दूंगा, इजिली मार दूंगा, 29 लेवल ही तो है। बट छोड़ो इससे बाद में लड़ेंगे, अच्छा पोकेमोन लग रहा है मुझे, उसे जल्दबाजी में फाइट करके मारना नहीं है, प्रॉपर आके फाइट करनी है और कैप्चर करके जाना है। वैसे आज हमने 2-3 नए पोकेमोन पकड़े, मजा आया। अभी फटाक से ना वापस चल लेते हैं हम लोग, क्योंकि मजे आते रहेंगे, घर जाना ज्यादा जरूरी है। ये है वो सामने वो वाला बायोम जहाँ पे बहुत ज्यादा हीट है। इधर हमें तब आना है जब अपने पास कोई कूल आर्मर हो जो हमें हमेशा ठंडा रखे। अभी फिलहाल के लिए हमें जाना है इस डायरेक्शन में जहाँ पे अपना घर है, तो जंप मारते हैं। अरे इसके थ्रू नहीं भाई, ये क्यों रात में परेशान हो रहे, सो जाओ ना भाई, पिटवा दूंगा मेमोरस से, ज्यादा ही लड़ने का शौक है ना लैपट की। बताइयो मेमोरस इसको थोड़ा सा
फायर मार इसके। अरे ये नहीं, ये तो बहुत खतरनाक वाला मार दिया जो कि उसके लगा भी नहीं। चलो छोड़ो यार, इन लोग को लड़ने दो, मुझे घर पहुंचना है और मैं एकदम सही रास्ते पे जा रहा हूँ भाई। अभी भाई कितना ज्यादा सुनसान माहौल हो चुका है। रात के टाइम पर हम लोग जंगलों के बीच में एकदम खो गए हैं। सामने भाई टेढ़े मेढ़े मॉन्स्टर मुझे दिखना चालू हो गए, बट ठीक है, डरने वाली बात नहीं, अपने पास प्रोटेक्शन के लिए बंदे हैं। जा भाई मारियो जरा इनको, अपना फेल बैट भाई इन दोनों को बहुत गंदा पीट देगा अकेले, टेंशन ही नहीं है, दोनों को मारेगा। अरे मेरे पास क्यों आ रहा है लड़ने? नाइस, एक मर चुका है, दूसरा आ रहा है। भाई जिधर मैं पहुंचा हूँ ना, इधर एक और बॉस पोकेमोन है कहीं पर, तो और कहीं पर नहीं, वो मेरे अगल बगल ही है शायद से। रुको, चलो खैर अच्छी बात तो ये है कि मुझे यहाँ पर एक फास्ट ट्रेवल दिख चुका है, जल्दी से इसे अनलॉक करते हैं। और वो जो न्यू बॉस पोकेमोन का लोकेशन है वो सामने ही है। इस वाले बॉस पोकेमोन का नाम है रिलैक्सोरस लक्स। ओ, जैसे मुसांडा लक्स है उसी का रिलैक्सोरस लक्स, मतलब एक और अपग्रेडेड वर्जन। नाइस भाई, वापिस अभी चलते हैं घर, बहुत आज घूम लिए, आज जो अपने साथ स्कैम हुआ है ना पूछो मत, प्रॉपर भाई चूना लग गया भाई आज तो फुल। आज भाई घूम फिर कर आए, बहुत ज्यादा थक गए, चलकर बस सो जाते हैं। चलो गाइस नेक्स्ट डे हो चुका है, मुझे बस एक चीज और चलकर चेक करनी थी। हम लोगों ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोकेमोन का एग रखा था, मुझे वो चेक करना है कि उसमें से कौन सा पोकेमोन निकलता है। तो लेट्स गो, 5 4 3 2 1 ओपन हो गया डब्बा और हमें मिला। अबे भाई कितनी घटिया किस्मत है, मतलब अच्छी भी है बेकार भी, तुम मानोगे नहीं, इसमें से वो पोकेमोन निकला जो हम पकड़ कर लाए हैं। आज हमने वाला पोकेमोन पकड़ा था ना यूनिवोल्ट, इसमें से वही निकला, ये देखो इसी को हम पकड़ कर लाए और यही इसमें से निकल गया। बट जो भी है बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक पोकेमोन है भाई, लकड़ी वकड़ी तोड़ने का काम चालू कर दिया उसने आते ही। वैसे अगर हमने उसे पकड़ा नहीं होता और अगर सीधा एग में से निकला होता तो क्या एक्साइटमेंट होती। वैसे हाँ एक्साइटमेंट अभी बाकी है क्योंकि मैंने एक न्यू क्रेट बनाया था ना एग का, ये रहा, इसमें मैंने रखा है एक ह्यूज ड्रैगन एग। भाई इसमें से कोई बहुत ही तगड़ा पोकेमोन निकलेगा, मतलब ड्रैगन वाला, उसका एग हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। इसे तो बाहर आने में ही पूरा घंटा लग रहा है, वो भी इंक्यूबेशन की स्पीड 100% होने के बाद, वरना तो भाई ये 2 घंटे ले जाता मेरे हिसाब से। अरे भाई रेड क्यों हो गई? अरे मैं वीडियो एंड कर रहा था, आ जाओ रेड हुई है तो, सामने से हुई है रेड, रुक जाओ भाई। रेड अगर हो गई है तो फिर अभी घंटी बजा देते हैं कि अटैक हो चुका है। चलो भाई टारगेट चेंज, अटैक हो रहा है, अटैक अटैक अटैक, सब लोग काम से हट जाओ। सामने से आ रहे हैं भाई ये लोग भागते हुए, एक तीर तो यहीं चटका देता हूँ इनके। ओ बच गए, गिर ले भाई, लग रहा है इतनी दूर पड़ेगा ही नहीं, इतनी दूर तो उसकी बॉडी में से पार हो जा रहा है। पड़ा पड़ा पड़ा, ये पड़ा। चलो गाइस मारो, आ गए। अरे हाथी भैया पीछे देखो पीछे, ये क्या था भाई? अरे भाई उसने एक पैर रखा, सारे ढेर हो गए। चले जा भाई, तू कुमार खाने आया है, गुस्सा वस्सा मत दिला इन लोग को। वो देखो भाग गया, सही में भाग गया भाई, वो जा रहा है। नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा, निकल यहाँ से। चलो भाई खाली पीली बेचारे पिटने के लिए आए थे, लेट्स गो, सब लोग वापस से काम पे लग जाओ। इसको अबे तू अभी तो आया है भाई, अभी से तू नहाना वाना चालू कर दिया क्या? ठीक है अभी अपना ये वाला जो है इसमें लगा है, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पता नहीं कौन सा पोकेमोन इसमें से निकलेगा, बट मुझे इतना पता है कि कोई बहुत ही अल्ट्रा लेवल का तगड़ा पोकेमोन निकलने वाला है। बाकी हाँ यार, आज के वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जाके लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 5 लाख लाइक के लिए, तो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर देना और मुझे कॉमेंट्स में जाके बताना कि मुझे कौन कौन से पोकेमोन्स को आपस में कंबाइन करना चाहिए जिससे कि कोई तगड़ा पैल हमें मिले। तो जाके उन सबके नाम लिस्ट विस्ट जो भी है नीचे कॉमेंट्स में बता दो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फाइट करने वाले हैं सभी नए बॉस पोकेमोन से और मैं उन्हें पकड़ के भी लाऊंगा। भाई पता नहीं क्यों मैं बॉस पोकेमोन्स को हमेशा मार देता हूँ, पकड़ नहीं पाता हूँ। तो जाओ बस नीचे बढ़िया से कमेंट कर दो। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, भाई हम लोग 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो सब्सक्राइब का जो बटन है उसे फटाफट से जाके दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।